सोच रहे होंगे कि किस तरह के चूतियों के कारण मैं प्रधानमंत्री पहली बात तो बन गया, अब इनसे छुटकारा कैसे लूं। ठीक है, तो इसके अंदर बेवकूफ लोग हैं। अब इसके अंदर मैं दो तीन मैसेज समझ देता हूं। अतुल तिवारी है, बोले तुम्हारी क्यों फट रही है बे। अब देखो ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह है, समाजद्रोह है। जिस जानता है टॉमी जैसे, टॉमी जानते हो ना क्या होता है, टॉमी को बोलो उठो उठो तो बैठो, बैठो खाओ तो खाओ, मुतो तो मुतो, हगो तो हगो, ये टॉमी है, ये सारे के सारे टॉमी है एक सरकार के। अब टॉमी समझते हो ना क्या होता है अंग्रेजी वर्ड में, है तो ये है। तो आप लोग ये जो कर रहे हैं हरकतें, जो भी आप लोगों ने हरकतें करी है भाई, इससे आप देश को और मुश्किल में डाल दिए हैं। सारी जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, आप सबको अंडर प्रेशर में करते चले जा रहे हैं, सबको लगातार करते चले जा रहे हैं। और आप लोग संक्रमित कम से कम 30% जनता हो चुकी है, मानो या नहीं मानो। और अपने लेट इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग है इंडियंस का। अमेरिका में भी जो लोग आज की तारीख में मर रहे हैं ना, उसमें इंडियंस कितने हैं गिनती के भी नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग वहां से आए थे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। राइट, अमेरिकन्स को, इटालियंस को, पीपल फ्रॉम अदर नेशन, फ्रॉम अदर यू नो, जो जो भी नेशन है, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था। वुहान एरिया जो है, ग्वांगजू वुहान एरिया है, वहां पे भी क्या था और अब क्या हुआ, जरा देखिए, आंकिए इस चीज को। ठीक है, आप इसको नहीं आंकेंगे, आप सबको तकलीफ में डाल रहे हैं। मेरे हिसाब से चलते फिरते टाइम बॉम्ब है आप लोग, चलते फिरते टाइम। आप लोग बोलते हैं ना आतंकवादी की कोई कोई धर्म नहीं होता, मैं मानता हूं आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मैं तो बोलता आया हूं। आप सब लोग आतंकवादी बन चुके जो आतंक फैला रहे हैं, जो ह्यूमन बॉम्ब बन चुके हो आप लोग। आप लोगों को पता नहीं आपके यहाँ पे बॉम्ब है आपके अंदर, और आप उस बॉम्ब को टैग कर रहे हो। ये टैग करने की बड़ी आदत है ना आप लोगों को सोशल मीडिया पे, इसको वीडियो पे टैग कर दो, उस मैसेज पे टैग कर दो। कोरोना को आप लोग टैग कर रहे हैं अननोइंगली, कोरोना को आप लोग टैग कर रहे हैं, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, और ये जितनी जालियत तो आप लोगों ने करी है, इसका हर्जाना तो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, हम गारंटी करते हैं। बेचारे गरीबों पे स्प्रे डाल दिया था आप लोगों ने यार, हाँ गरीबों पे स्प्रे डाल दिया। जितने दिहाड़ी मजदूर है जिनके यहाँ पे दिया नहीं जलता, आज की तारीख में रोटी नहीं बनी, और आप दिवाली बना रहे हैं। आप जैसी लालची, कमजर्फ और निकम्मी कौम तो पूरी दुनिया में नहीं दिखेगी भाई, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। मैं तो ओपन बोलता हूँ ना, ओपन बोलता हूँ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हैं आज पढ़े लिखे बाद मेरे से बहस कर ले, ओपन ओपन बहस कर ले। ये बात कर रहे हैं ना, एक बार ये एक वर्ड आया था कोरोना जिहाद, ये कोरोना जिहाद किया है इन लोगों ने, एग्जैक्टली वही कोरोना जिहाद है जो इन लोगों ने आज हरकत करी है, यही जिहाद है। अब समझ लीजिए, ये आतंकवादी हैं, ये आतंक फैला रहे हैं। मेरे हिसाब से भाई, मैं तो सीधा सीधा एक बात कहता हूं, ये डंडे से नहीं माने, लॉकडाउन से नहीं माने, शटडाउन से नहीं माने, जनता कर्फ्यू से नहीं माने, अब 307 की धारा को वैलिड कर देना चाहिए इंडिया में। अटेम्प्ट टू मर्डर, बड़ी सीधी सीधी बात है, जो घर से बाहर निकलेगा अटेम्प्ट टू मर्डर, वो हुआ ना वेनेजुएला वाले ने, सीधा करा गोली मार देता है वो तो। दो जनों को कल गोली मारी है वेनेजुएला में, क्योंकि दो जनों के चक्कर में 200 तो नहीं मर सकते ना। अगर इन लोगों को नहीं समझ में आता, ये जितने भी 10-15% लोग हैं जो भी ये बाहर निकलते हैं, इन पे 307 की धारा टिकाएं अटेम्प्ट टू मर्डर की, और अंदर करें, पता लग जाएगा 2 मिनट में। आप कुछ लोगों की वजह से पूरे देश को प्रॉब्लम में डाल दिया, और कोई चीज आपको पता है कि इंप्लीमेंटिंग स्किल्स है ही नहीं। नोटबंदी के टाइम में 156 आदमी मरा था, एक ऑक्सीजन का नहीं सिलेंडर आया था वहां पे गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में, जहां पे डॉक्टर कफील थे, वहां 50 बच्चे मर गए थे। अपने को पता नहीं कि अपनी अपनी क्या कैपेबिलिटी क्या है, अपने को पता है ना हमारी कैपेबिलिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी क्या क्या नहीं है। तो अंधे हैं, बहरे हैं, या गूंगे हैं, क्या है क्या, ये चीज आप लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। आप लोग एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ चुकी है, और हमारे देश में आदत है जब तक सर पे डंडे नहीं पड़ते तब तक बात नहीं समझ में आती है। सर पे डंडे पड़ने वाले हैं, गारंटी करता हूं। बहुत तकदीर वाले हो गए अगर आप लोग संक्रमित नहीं हो तो, बहुत तकदीर वाले, ऊपर वाले से, ऊपर वाले का शुक्रगुजार करना कि आप संक्रमित नहीं हो, नहीं तो 101% दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ अगर ये हाल होगा तो दुनिया का कोई भी देश, कोई भी डॉक्टर आपको बोल देगा ये जनता संक्रमित होगी, गारंटी है इस बात की। इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, इनसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, इनसे बड़े बड़े इन्वेंशन जो अमेरिका में हुए हैं, ये सब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उसके बावजूद यहाँ पे कितने लोगों के लिए बोल रहे हैं 2 लाख मरेंगे, 3 लाख मरेंगे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लोग यहाँ पे कॉमन सेंस रख रहे हैं, लोग फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। यहाँ के हॉस्पिटल इंडिया से जबरदस्त है, यहाँ के डॉक्टर्स की टीम जबरदस्त है, इंडियन डॉक्टर्स यहाँ पे है सब है, उसके बावजूद अगर ये बोल रहे हैं, और अपने देश में बात समझ नहीं आ रही तो इट्स अंडरस्टैंड मतलब फैक्ट। अगर आप लोग सुधरे नहीं ना, वैसे तो नहीं सुधरने वाले, अगर आप लोग नहीं सुधरे और नहीं होगा तो आपकी तस्वीरों के आगे दिए लगाने के लिए तैयारी रख लीजिए। आपके घर में से एक एक होता है ना, बिस्तर में से एक आदमी गायब हो जाएगा, एक एक बिस्तर आपको अपने घर में से खाली दिखेगा, एक बिस्तर पक्का, ये गारंटी बता रहा हूं मैं आप लोगों को।
और इंडिया का एक और आया नोशन कि इंडिया के अंदर यंग पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 60। दुनिया में 60+ ज्यादा हो रहे हैं, इंडिया में 45 और 60 ज्यादा हो रहे हैं। यू नो वाई, यू नो वट इज द रीजन? मैं आपको बता देता हूँ वट इज द रीजन। दैट इज स्मोकिंग एंड खैनी, विच इज ऑलरेडी डैमेज योर लंग्स, विच इज ऑलरेडी डैमेज। क्लॉट कहीं भी आ जाएगा आपके गले में, अगर कफ आ जाता है, अगर वो कफ नीचे ड्रॉप हो जाए, इमीजिएटली आपको वेंटिलेटर पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जितनी भी लंग्स हैं उसको कवर कर लेता है कफ, आपके लंग्स पंप ही नहीं करेगा एयर एंड यू विल डाई। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स क्रॉनिक निमोनिया, हजार बार ही बोल चुके हैं आप लोगों को। सो यू पीपल, द पीपल हु हैव डन व्हाट दे डिड टुडे, दे आर ह्यूमन बॉम्ब्स, दे आर टेररिस्ट, एज सिंपल एज दैट। तुम्हें प्रधान सेवक ने क्या बोला था? दिए जलाने। तुमने क्या किया? तुम्हें प्रधान सेवक ने क्या किया था आज से पहले जो हुआ था इवेंट? मैं तो इवेंट ही बोलता हूँ। क्या क्या हुआ था कि थालियां बजानी है, घंटियां बजानी है, तुमने क्या किया? सारा काम उल्टा। तो या तो प्रधान सेवक को पता नहीं वो कौन सी पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहे हैं जो लो इंटेलिजेंस पॉपुलेशन है, और अगर ये पता होने के बावजूद वो ये काम कर रहे हैं तो ये फिर गलत है, 101% गलत है। अगर मुझे पता है कि मेरे परिवार में या मेरे भाई में या मेरे बेटे में अक्ल नहीं है और उसके बावजूद मैं उसको उस जगह लेके जा रहा हूं, वो चीज बता रहा हूं जो नहीं कर सकता है, उसके बावजूद कर रहा हूं, तो मैं गलत हूं। और जो देश पहले ही धर्मों में, जातों में, ट्राइब्स में, कलर में, सब में डिवाइड हो चुका है, उसको यूनाइट आप तभी कर सकते हैं जब मेरे भाई में या मेरे बेटे में अक्ल नहीं है और उसके बावजूद मैं उसको उस जगह लेके जा रहा हूं, वो चीज बता रहा हूं जो नहीं कर सकता है, उसके बावजूद कर रहा हूं, तो मैं गलत हूं। और जो देश पहले ही धर्मों में, जातों में, ट्राइब्स में, कलर में, सब में डिवाइड हो चुका है, उसको यूनाइट आप तभी कर सकते हैं जब सारे पीपल, दैट्स ऑल, दैट्स अ फैक्ट। और वो जमीन आज की तारीख में पत्रकार आए हैं, जो भी पत्रकार होते हैं जो दिए लेके बैठे हैं, पागल हो गया, अक्कल नहीं है, दिमाग नहीं है, हैं? या देखते नहीं हो दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है, मीडिया क्या कर रही है? डोंट यू गाइस सी, आर यू गाइस स्टूपिड? तो आप लोग भी एक स्टूपिड जो पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न को आप लोग भी उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ऐसा करें। भैया वो दिए अपनी तस्वीरों के सामने के लिए रख लीजिए, हम आपको गारंटी बताते हैं। अगर हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो, मगर जो दिख रहा है ऐसा हो सकता है, तो एक एक घर में से एक एक बिस्तर खाली होना तय है। और अगर बच गए तो वो आपका इम्यून सिस्टम है, जो पुराने बचपन में आप लोगों ने टीके लिए थे उसकी वजह से आप लोग बच जाओगे, नहीं तो इस सरकार ने आपको नहीं बचाया, ये गलत है। ये एडवर्टाइजमेंट करके इसका श्रेय लेना चाहिए सरकार, ये गारंटी है इस बात की भी, आपको भी पता है इनकी आईटी सेल दौड़े बात बात है। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ कि कल की जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड करी है करने के लिए इंडिया, तो जरा रखना नज़र, उनको आपके जीवन की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो जो आप, बाकी कोई नहीं बचा सकता, कोई वैक्सीन ब्लॉग्स में विश्वास करते हो, कोई लिख देता है उसको चिपका देते हो, देर इज नो वैक्सीन। अगर पहली वैक्सीन निकलेगी भी तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से निकलेगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मेडिकल माफिया है पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। अगर वैक्सीन निकलेगी आने वाले 10 महीने में, तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में निकलेगी, बाकी सब बकवास, टोटल बकवास, किसी से भी सुन लेना। ठीक है, तो भैया ये गौमूत्र पीने वाले और गोबर वाले, इन लोगों को दूर रखो अपने आप से। ठीक है, ये सबसे बड़े आज की तारीख में आतंकवादी हैं, जिन्होंने देश में आतंक फैला रखा है, ये शुरू से ये काम करते हैं। ये प्रधान सेवक की नहीं सुनते, ये अपने बाप की नहीं सुनते, अपने माँ की नहीं सुनते, ये जाहिल है। इनके वीडियो जाके देख लो, इनके कपड़ों से, इनकी भाषा से, इनके तौर तरीके से, सबसे पता लग जाएगा कि प्रधान सेवक को आज की तारीख में चुनौतियों से नहीं, चूतियों से प्रॉब्लम है। गारंटी कहता हूं, गारंटी है इस बात की। और जिस आदमी ने ये लाइन लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट था, जिसने भी ये लाइन लिखी है उसको श्रेय, उसको मेरा सलूट, कि उसकी रीडिंग बिल्कुल सही थी 3 साल पहले, कि देश को चुनौतियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूतियों से प्रॉब्लम है। और इस तरह के चूतिये हर समाज में अवेलेबल है, हर समाज में, चाहे वो मुस्लिम समाज लो, चाहे वो हिंदू समाज लो, दोनों में। और जो मेरी कैलकुलेशन थी 3 साल पहले 20-20% की, वो आज 100% सही साबित हुई है कि ये 20-20% ही चूतिये हैं जो अपने समाज का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी हैं भाई आज की तारीख में पत्रकार हैं, जो भी है उसके बाद कहेगा, मैं सिर्फ आप लोगों को एक चैलेंज करता हूं ओपन, कि चूतियों को चूतिया बोलना शुरू कर दें। ओपन चैलेंज, अगर आप में दम नहीं है ना
तो ये वीडियो व्लॉगिंग करना, यूट्यूब से पैसा कमाना, ये अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे हैं, देश की जनता को भी, क्योंकि आप लोग सच नहीं बोल सकते और चूतियों को चूतिया नहीं बोल सकते। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। जिनको मरना है वो मरे भाई, जिनको अपने घर बर्बाद करने करें, जिनको भी करना है। तुम तो वैसे ही बर्बाद हो, तुम तो वैसे ही बर्बाद हो, तो तुम्हें अपना घर बर्बाद करना है, करो। दूसरों के लेके मर रहे हो, अपने मोहल्लों में क्यों लेके लोगों को मर रहे हो? हिंदुओं के मोहल्ले में आज जो है जलसे, वो हिंदू ही मरेंगे, क्योंकि अब तो मोहल्लों में बटा हुआ है ना देश। तो ये मुसलमान का मोहल्ला है, ये हिंदू का मोहल्ला है, तो जो हिंदुओं ने करा है तुम हिंदुओं को ही मार रहे हो। इसीलिए मैंने कहा था भाजपा के हिंदू और भारत के हिंदू में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। और मैं शुरू से कहता आया हूँ, ये भाजपा के हिंदू हिंदू नहीं है, फ्रॉडी है, फ्रॉड, वो फ्रॉड है, वो सियासत का बनाया हुआ एक चमगादड़ है, याद रखना। और ये चमगादड़ चैट होता जाएगा आप लोगों के। और जितने भी आज की तारीख में समझदार पढ़े लिखे हिंदू हैं, अपनी बात कहिए सोशल मीडिया पे कहिए, और चूतियों को चूतिया बोलना कर लीजिए तैयार, क्योंकि 100 करोड़ अपन है। हमारी जिम्मेदारी पहले बनती है कोई और समाज से पहले, सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है जो बड़े भाई हैं देश में, और बड़े भाई हिंदू हैं, ठीक है। मुसलमान हमारे छोटे भाई हैं, हमारे छोटे भाइयों का हमें ध्यान रखना है और बड़े भाइयों को अपना फर्ज निभाना है, ये चलेगा इस तरह देश। और छोटे भाइयों का अगर धर्म इसमें इस्लाम है, तो वो इस्लाम को भी मानना पड़ेगा, जो इस्लाम की सही चीज़ें हैं, जो इस्लाम की सही चीज़ों में नहीं है, जो फ्रॉड अपने मौलानाओं के पीछे है, उनके पिछवाड़े पे भी 2 लाख दीजिए। जो फ्रॉड मौलानाओं की बातों में आ जाते हैं, जो ऐसी हदीसों में बातों में आ जाते हैं जिसका कुरान में लिखा ही नहीं है, वो ऐसी बातों में आते हैं, उन मौलानाओं के भी पिछवाड़े पे लात मारिए और इन लोगों के भी लात मारिए, बराबर की लात पड़नी चाहिए, तब जो देश चलना चाहिए उसी तरह चलेगा। आप एक कुटुंब को लेके, एक समूह को लेके आप देश को आगे नहीं चला सकते, आप देश को और खड्डे पर डाल रहे हैं। अभी इसके बाद फिर बताया था, मैं तो हरदम बता रहा हूँ इसके बाद क्या होने वाला है। कोरोना से चलो तुम टल गए, इसके बाद डिप्रेशन, सुसाइड्स, तलाक, ये सब बढ़ने वाले हैं देश में, सब बढ़ेंगे, गारंटी है इस बात की। धंधे पानी चौपट, ठीक है, लोगों की कमाइयाँ चौपट, स्कूलों की फीस पे नहीं होगी, देखते जाइए आप, नौकरियाँ और जारी है। अमेरिकन कंपनीज जितनी भी नौकरियां वहां करते हैं तेलंगाना हैदराबाद में, अमेरिकन कंपनीज खींच रही है अपने काम, गारंटी बता रहा हूँ खींच रही है, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका का तो मुझे पता है कितने लोगों की जॉब गई है, आई नो इट, और जाएगी। फिर उसके बाद क्या बढ़ेगा, क्राइम, छीना झपटी, चेन स्नैचिंग, पेट्रोल की चोरी, ये सब बढ़ेगा। तुम्हारा स्कूटर खड़ा है वहां पे, कोई पाइप लगे खड़ा है, तुम्हारे पेट्रोल निकाल रहा है, 25 रुपये भी जेब में नहीं होंगे पेट्रोल भरवाने के लिए, वेट एंड वॉच। कोई भी आपदा आती है उसके बाद उसका रिपल इफेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट समझते हो क्या होता है? एक पानी है शांत, उसके अंदर कंकर मारोगे ना तो लहरें आती है, वो रिपल इफेक्ट कहलाया जाता है। ये रिपल इफेक्ट बढ़ेगा ना जब, तो संभाल नहीं पाएगा अपना देश। अपना देश में काबिलियत नहीं है, अपने देश में जहालियत से चुने हुए नेता हैं, अपने देश में काबिलियत से चुने हुए नेता नहीं है, धर्म पे चुने हुए नेता हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। काबिल नेता इस तरह की बातें नहीं करते, नो, और काबिल जनता भी इस तरह की बातों की बहकावे में नहीं आ सकती, नो। आज की तारीख में आपको वेंटिलेटर्स की जरूरत है, वेंटिलेटर्स से आपकी जिंदगी में रोशनी आएगी, समझ में आ गई बात? दिया तो आपकी तस्वीर के सामने रख दिया जाएगा, तेल डाल के या घी डाल के, जो भी आपकी औकात है उस हिसाब से, बाकी कुछ नहीं होने वाला, ये हम आपको गारंटी कर देते हैं। और अगर आप लोग बच गए इस कोरोना से, इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो आप अपनी इम्यून सिस्टम से बचे हैं और कुछ नहीं है। रिसर्च करिए, पढ़िए, अनफॉर्चुनेटली 50% जनता को अंग्रेजी नहीं आती, मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। गूगल पे सर्च करिए, बड़ी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट्स बैठी है, पढ़िए, अपनी मीडिया का स्विच ऑफ करिए, ठीक है ना। मीडिया को गालियां पकने से अच्छा स्विच ऑफ कर दीजिए, उसका स्विच ऑफ आप लोगों से होता नहीं है। खुद में आप लोग बदलाव लाना नहीं चाहते और पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, नहीं होगा। 21वीं शताब्दी में भारत लीड नहीं करेगा, 21वीं शताब्दी में भारत 18वीं शताब्दी की तरफ जाने को अग्रसर हो चुका है, ये गारंटी है इस बात की। और गरीब ही मरेगा, अमेरिका में भी आज की तारीख में जो मर रहे हैं ना, यहाँ गरीब मर रहे हैं जो $1-2 लाख साल का कमाते हैं, इससे ज्यादा नहीं, वो ही मर रहे हैं, $1-2 लाख साल का, जो 1.5-2 करोड़ रुपये साल का कमाते हैं वो ही मर रहे हैं अमेरिकन, अमीर नहीं मर रहा है, ठीक है। गरीब के ही लाठी पड़ती है ऐसी चीजों में हर दम, चाहे वो युद्ध हो, चाहे आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे आग हो, गरीब ही मरेगा, गरीब ही गरीब का घर चलाता है। कोई अमीर ने आके आपका घर नहीं जलाया, इन बेवकूफों ने घरों में आग लगाई है, इन बेवकूफों की वजह से जो हरकतें हुई है देश में आज की तारीख में, इन बेवकूफों की वजह से हुई है। कोई अंबानी, अदानी, टाटा बिरला ने किसी ने नहीं किया है, इन झाइलों ने किया है, इन झाइलों ने किया है, ठीक है। अभी आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, आप अगर घर से बाहर निकले तो आप एक तरह से ह्यूमन बॉम्ब है, बड़ी क्लियर कट बात है, या तो आप बॉम्ब जाएंगे लेने के लिए या बॉम्ब आपके पास अपने आप ही आ जाएगा आपके परिवार में, साफ बोल रहा हूं। जो सरकार ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली सरकार के जो नेता हैं,
सरकार के जो नेता हैं वही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, तो यू कैन नॉट प्रीच व्हाट यू कैन नॉट प्रैक्टिस, वेरी सिंपल. ओके, ऑल दीज बीजेपी पीपल, यू नो द एजुकेटेड बीजेपी पीपल, यू डोंट प्रीच नाउ, ओके, जस्ट शट अप, डोंट प्रीच, बिकॉज यू पीपल कांट प्रैक्टिस व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग हिमसेल्फ. इफ यू कांट प्रैक्टिस देन स्टॉप प्रीचिंग, बिकॉज यू आर मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर मेकिंग फूल ऑफ द होल नेशन. बड़ी सीधी सीधी सपाट शब्दों में कह रहा हूं, कुछ चीज समझो यारो. जब अमेरिका जैसा देश नहीं संभाल पा रहा, हमें अपनी जेब की ताकत पता है, हमें पता है अपने देश में कितना भ्रष्टाचार है, लोअर लेवल तक भ्रष्टाचार है. पैसे देने पड़ेंगे हजारों रुपए बेड बुक कराने के लिए अस्पताल में, क्योंकि बेड इतने हैं नहीं. पैसे लेने पड़ेंगे इस गर्मियों में, मैंने एक पोस्ट डाला था, कूलर नहीं खरीदना, एयर कंडीशनर मत खरीदना, वेंटिलेटर खरीद लेना घर में, एसी मत लगवाना नया, वेंटिलेटर का जुगाड़ कर लो और अपने साथ अपना वेंटिलेटर अस्पताल में लेके जाना, क्योंकि वहां तो है नहीं. और वेंटिलेटर के बिना 10 मिनट भी तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, 10 मिनट भी. तुम सांस ही कितने टाइम तक सांस रोक सकते हो, मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, उसके बाद गया, राम नाम सत्य है. तो अपनी समझ का इस्तेमाल करो. और हर जगह ये जो भी हरकतें होती है ना, ये देश को डिवाइड करने की हरकतें हैं, ये यूनाइट करने की नहीं है, ये डिवाइड करने की है. ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक तरह से कॉकटेल कर दिया है इसके रिलीजियस आइडियोलॉजी में, और वो कॉकटेल बनके एक नया ड्रिंक निकला है जिसको कहते हैं अंधभक्ति. रिलीजियस आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को दोनों को मिला लो, जिस दिन ये मिल जाता है उस दिन उस देश में जाहिलियत चरम सीमा पे पहुंचती है. कभी भी देख लो, आप अपने समाज में देख लो, जितने मुसलमान लोग हैं देख लीजिए, आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी और आपकी पॉलिटिशियंस वो जब मिक्स करते हैं दोनों को, तो आपके समाज में भी जाहिलियत बढ़ती है ना, बड़ी सीधी सी बात है. तो इट्स द फैक्ट. यहाँ पे हम ईसाइयों के देश में रहते हैं, हमारे कोई फोर्स नहीं करते. अगर इतना दिया बत्ती से होता है तो सारी चर्चेज में आज की तारीख में मोमबत्तियां जली होती, सारी चर्चेज में, लाखों चर्च हैं, सारी बंद हैं. ऑल चर्चेज आर शट अक्रॉस अमेरिका. मोमबत्तियां क्यों नहीं चल रही वहां पे? दिए और मोमबत्ती में क्या फर्क है? इन्होंने तो कहा था कि दिया नहीं तो मोमबत्ती जला लो, मोमबत्ती तो टॉर्च लाइट जला लो. भैया स्टेडियम के अंदर आखिरी 10 बॉलों में 10 रन जब चाहिए होते हैं डे नाइट मैच में, जब पूरे स्टेडियम में लाइटें जली होती है, क्या बन जाते हैं 10 रन? टॉर्च लाइट जलाने से 10 रन बन जाते हैं? उसके लिए काबिलियत चाहिए, उसके लिए काबिलियत चाहिए. कौन कर रहा है बैटिंग? अगर वो काबिलियत नहीं है तो आप कितनी टॉर्चर लगाते रहो. 50,000 लोग बैठे रहते हैं वांकड़े स्टेडियम में, ठीक है, 35,000 लाइट मारते रहते हैं, बन जाते हैं 10 रन? नहीं बनते. ऐसे कितने मैच हार गई इंडिया, और ये मैच भी आप अपनी बेवकूफ़ी के कारण हारेंगे. बहुत तकदीर के धनी होंगे अगर आप लोग इसमें से निकल सके, नहीं तो किसी भी पढ़े लिखे आदमी को आज की तस्वीरें दिखा देना, वो आपको गारंटी बता देगा कि ये देश 30 से 50% संक्रमित होएगा किसी से भी, क्योंकि आप लोगों ने वायरस का भी धर्म ढूंढ निकाला है. राइट, कोरोना जिहाद, एक कोई तबलीगी को बोलता है तालिबान, तो दिमाग में इतना बैठा हुआ है कि लाइव शो के अंदर ये पत्रकार चौरसिया तबलीगी को तालिबान बोल रहा है. तो सोचिए इनकी इनकी सोच का कितना, मतलब इट्स टोटली फिनिश्ड, टोटली बेड़ा गर्क हो चुका है. तो ये सोचते हैं वो इनकी जबान से निकलता है, तो ये सोच ही वो रहे हैं तभी तो इनकी जबान से निकल रहा है. आप वही बोलते हैं, और जो अपने देश से झूठ बोलेगा, जो अपने देश को सत्य की तस्वीर नहीं दिखा को जो देश को सत्य की तस्वीर नहीं दिखा सकता, वो देश का लीडर बन ही नहीं सकता. इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. अभी इसके जितने भी रिलीजियस गुरुज, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो हिंदू हो, अगर वो अपने रिलीजन के साथ सत्य से नहीं बता सकते तो वो आपके रिलीजियस गुरु हो ही नहीं सकते. ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी मजेदार लिखना है लिखें, पर अंत में मैं एक एक बात कह देता हूं कि प्रधान सेवक को चुनौतियों से डर नहीं लगता, प्रधान सेवक को चुनौतियों से डर नहीं लगता, उनको चूतियों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. और ये चूतिए इन्होंने चुनाव आप जीत जाएंगे लिया, मगर देश हार जाएगा, देश हार जाएगा. के जो दिखाते हैं ना ढकोसले हेल्थ केयर वालों को, ठीक है, अमेरिका में आ जाइए, यहाँ पे जो फौजी और जितने भी वर्दी है ना, जितने भी वर्दी वाले हैं सारे के सारे, उनकी साल भर इज्जत होती है, साल भर. ओके, एक नर्स को
एक नर्स को न्यूयॉर्क के अंदर 2,000 रुपये घंटा मिल रहा है। आप देखिए आपकी नर्स को क्या मिल रहा है। अपना ध्यान रखिएगा और चूतियों से दूर रहने की कोशिश करिए, ये बेड़ा गर्क।